जश्न मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी के जानिब से कल 29 तारीख को बरोज जुमा बीजापुर बेट से हर साल के मुताबिक इस साल भी अजीमुशान जुलूस निकाला जा रहा है। जश्न मिलादुन जुलूस कमेटी के जानिब से पिछले 4 दिनों से बहुत अच्छे कार्यक्रम जो है गरीबों की इमदाद के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए और हमारे तालीम इल्मों के लिए लिए गए। पीसी हॉस्टल में जो है अनाथ बच्चों के लिए वहाँ पे फल फ्रूट तकसीम किए गए। दूसरे दिन जो है एलगुलवार प्रशाला में अंध अपंग अपाहिज बच्चों के लिए जो है खाना तकसीम किया गया। तीसरे दिन जो है यहाँ पे शाहजहाँपुर दरगाह में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए अनाज तकसीम किया गया। और चौथे दिन कल जो है वहाँ पे रोटरी क्लब के गार्डन के पास जो है वहाँ पे गरीब लोगों के लिए खाना भी तकसीम किया गया। नई ज़िंदगी में जो है मदरसे के बच्चों के लिए जो है एक हेल्थ कैंप लिया गया जिसमें मुफ्त दवाइयाँ दी गई, उनका चेकअप किया गया और साथ में हमारे कुछ भाइयों ने वहाँ पे इज़ामा कैंप भी रखा था, उस कैंप को भी जश्न मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी की तरफ से अंजाम दिया गया। ये अच्छे काम हो रहे। जश्न मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी के जानिब से पिछले कई सालों से जो है हम काम कर रहे हैं, कभी भी किसी भी बात में कभी भी कुछ नहीं होती, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो अलग अलग तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। मैं उस अफवाह में नहीं जाना चाहता, कोई टिक्का टिप्पणी में नहीं करना चाहता। सबको लेकर जो है जुलूस निकालने का जो है तय हुआ है। जो भी आएंगे उनको सबको मान मर्तबा देकर जुलूस में शामिल कर लिया जाएगा। फिर ये जो भी हमारे रोशनाई है, मोहल्ला रोशनाई है, वाहन की सजावट है, इसमें भी जो है अलग अलग तरीके से बख्शीश समारंभ रखा गया है। पहला बख्शीश 25,000 का दिया जा रहा है, दूसरा बख्शीश जो है 15,000 का है, तीसरा बख्शीश 11,000 का है। तो ये बख्शीश समारंभ भी 5 तारीख को यहाँ लश्कर के बेरिया एजुकेशनल हॉल में रखा गया है। और ये जुलूस की शुरुआत पुलिस कमिश्नर साहब जनाब माने साहब और शहर काजी साहब के हाथों से जुलूस की शुरुआत होगी और ये जुलूस जो है हर साल के मुताबिक अजीमुशान निकाला जाएगा। इसमें अगर कोई भाई इसमें अगर कोई अलग बात कर रहे हैं, कुछ समाज में तफरका पैदा करने की बात कर रहे हैं, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हम कर दो कमेटी क्यों बने हैं सर? नहीं, दो कमेटी बने ही नहीं। अब कुछ लोग जाके वो कमेटी बनाए, वो उसको मेरे को मालूम नहीं क्या है उनका मकसद क्या है। फिर वहाँ से भी एक कमेटी अपनी, यहाँ से भी एक कमेटी? नहीं नहीं, एक ही कमेटी है और हम तीन लोग जो है, मैं, वाहिद नदाब, बड़े पीर साहब इस कमेटी में काम कर रहे हैं और अध्यक्ष बोल के परमिशन जो है मेरे को ही दी गई है। नीचे ट्रस्टी बोल के सिर्फ जो है मोहलकर का नाम डाला गया है, लेकिन संस्था का अध्यक्ष जब मैं हूँ तो सारे इख्तियार मेरे को आते हैं। जब संस्था की घटना में सारे इख्तियार अध्यक्ष को है और जब अध्यक्ष जश्न मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी के नाम से परमिशन दी गई है तो सारे इख्तियार अध्यक्ष को रहते। संस्था के 5 ट्रस्टीज है, उसमें का एक ट्रस्टी मोहलकर है। एमडी शेख ट्रस्टी है, बाकी वाहिद नदाफ है बड़े। नो, हमारा कोई राजकारण नहीं, हम इसमें राजकारण लाना नहीं चाहते। हुजूर की शान में निकलने वाला जुलूस है, हुजूर की शान में हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके लिए मैं इस पर जो है ना ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, किसी पर टीका टिप्पणी। अगर मैं मेरे पर कोई टीका टिप्पणी करना चाहे तो बेधड़क करे, मुझे उसमें कोई उससे लेना देना नहीं। नहीं, मैं पब्लिक के खुलासे के लिए इतना बोल रहा हूँ। ये आपके चैनल पर जो मैं बता रहा हूँ ये पब्लिक को समझ में आना इसलिए बता रहा हूँ। क्या प्रोग्राम रखे गए, क्या क्या प्रोग्राम हुए, किस तरह से जुलूस निकलने वाला है, ये सारी बात मैंने आपके चैनल पर रखी है सिर्फ और सिर्फ लोगों की मालूमात के लिए। तो अभी ये जुलूस की शुरुआत आपकी कहाँ से होने वाली? बीजापुर बेस। बीजापुर बेस और ये शास्त्री नगर का नई जिंदगी, वो आके वहाँ पे मिलने वाले मिलेंगे हर साल के मुताबिक है। मार्ग में कोई बदल नहीं, चेंज नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आवाम के लिए जुलूस में संदेश? मैं बस सब हिंदू मुस्लिम भाइयों से इतना ही कहूँगा के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 550 साल जो है हम सबको यहाँ पे शांति का, भाईचारगी का और एकसु होकर रहने का, यानी इंसानियत का ये जो संदेश दिया, ये बहुत बड़ा संदेश है।
ये जो है ना संदेश पे चलने के लिए हम सब लोगों को अल्लाह हिदायत दे, और हम चाहते हैं कि जो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है उसकी हम जो है उम्मत में से उसकी उनके धूल के बराबर जो है ना चलने की कोशिश करें, और सब लोग हिंदू भाई इस जुलूस में शामिल हों। और इस खुशी का मौका है, इस खुशी के मौके पर जो है ना सबको मैं इन्हें विनती करता हूँ कि सब लोग शामिल हों। कितने बजे जुलूस निकलेगा? 8:30 बजे का टाइम है, लेकिन 9 बजे बराबर जुलूस निकलेगा। इसका मार्ग? मार्ग जो है बीजापुर बेस से निकलेगा और बेगमपेट पुलिस चौकी से होते हुए नीचे सोशल स्कूल में से जो है नीचे झोपड़पट्टी से होते हुए वहाँ से जो है जिंदाशर मदार चौक जेल रोड पुलिस स्टेशन फिर हमारे नीचे जो है भारतीय चौक उसके बाद 12 इमाम चौक फिर नीचे कोंतम चौक फिर उसके ऊपर जो है हमारा ऊपर जो तिलक चौक से होते हुए ऊपर जाते हाजी माई चौक से होते हुए सेंट्रल टॉकीज से होते हुए मार्केट से होते हुए बीजापुर पे से वहाँ समारोह हो जाएगा। इसका उस कार्यक्रम में कौन-कौन उपस्थित रहेंगे समारोह में? समारोह में तो अभी हम लोग दोनों उनको ही दिया है, पुलिस कमिश्नर को, दहर काजी को, और यहाँ के शहर के कुछ मज़हब के लोगों को दिया है। अभी हम तो सोच रहे हैं कि समारोह के कार्यक्रम में वहाँ पे गणपति का स्टेज तो जुम्मा के बाद डालने को बोला गया है, इसके लिए वहाँ समारोह कार्यक्रम जो है वहाँ पे अगर नहीं हुआ तो वहाँ पे शुक्रिया सबका अदा करके जो है वहाँ पे हो जाएगा।